गुड मॉर्निंग क्लास थ्री. टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज फाइव एंड एक्सरसाइज सिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन चैप्टर. बिकॉज मल्टीप्लिकेशन चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था, आपको होमवर्क के लिए दे चुका था, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना था. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5 में देखेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई है. इससे पहले जो मैंने बनाया, जो सॉल्व किया हम लोगों ने, वो सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना था, इंटू करना था. और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 5 है, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं है बट 2 डिजिट में है डियर स्टूडेंट्स. तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5 ओके, मल्टीप्लाई है, इसमें ए नंबर है, क्वेश्चन नंबर 42 मल्टीप्लाई बाय 22 ओके, 22 से मल्टीप्लाई करना होता है डियर स्टूडेंट्स. तो एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो, पहले हम क्या करेंगे, अपर का जो 42 जो नंबर है उसको फर्स्ट पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. 2 2 4, 2 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे दिस विल बी 4, 4 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे 4 2 8, तो 8 यहाँ पर डालेंगे. अब डियर स्टूडेंट, 42 को फिर अब इस 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 एंड 4 2 8. अब डियर स्टूडेंट्स, प्लस करना है 4 8 4 12 2 1, कैरी कर लेंगे 8 1 9 डियर स्टूडेंट्स. इस तरीके से ये डबल डिजिट का मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, बनाना है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो. तो एक्सरसाइज 5 में ओनली 3 क्वेश्चन से तो सॉल्व कर लेंगे. और एक्सरसाइज 6 में सेम है स्टूडेंट्स, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, इसीलिए एक दिन में आपको, और मैं गैप भी करता हूँ बीच में, एक दिन गैप करता हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक दिन में 1-2 चैप्टर एक्सरसाइज बना सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है. तो एक्सरसाइज 6 में डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी मल्टीप्लाई है ओके. तो इसमें करना है 37 मल्टीप्लाई बाय 24, जिसको भी मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 को 4 से इंटू करेंगे, 7 4 जब 28, डियर स्टूडेंट्स दिस इज 8, 2 कैरी कर लेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 3 जब 12 या 3 4 जब 12, और ये कैरी जो किए थे 12 में 2 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14 ओके. नाउ 37 को अब इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है. तो 7 2 जब 14 4 1 3 2 6, और इस 1 को ऐड कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 6 1 7. नाउ प्लस करेंगे 8 4 4 8 7 1 8. इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई बना लेंगे ओके. अब डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6 में आपको क्वेश्चन नंबर ए बी सी जो इस तरीके का है, यानी कॉलम में है तरीके से, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया समझाया इसी तरीके से बनाना है. अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ डी है, इसमें आपको कॉलम में अरेंज नहीं किया गया है, 63 × 33 है ओके. तो इसको आप कॉलम में अरेंज करके, कॉलम में अरेंज करके आप इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. और एक डियर स्टूडेंट, एक वन वे और मैं बता दूं, 2 डिजिट का अच्छा सा तरीका है, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम एक ही बार में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओके. जैसे कि इससे पहले मैं जो अभी आप क्वेश्चन नंबर ए बताया उसमें क्या किया, जो 37 को, जैसे कि फिर से मैं बता दूँ, 37 24, तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले 37 को 4 से किया, यहाँ आया, फिर 37 को 2 से किया, फिर यहाँ आया, देन हम लोग इसको प्लस किए. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके का हॉरिजॉन्टल में आएगा तो हम डायरेक्ट इसको इंटू कर सकते हैं, इसका नियम अच्छे से समझ लेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जो वन प्लेस पे है उसको उससे इंटू कर देंगे, यानी 3 को इस 3 से इंटू करेंगे, 3 3 जब 9, यहाँ पे 9 डालोगे स्टूडेंट्स ओके.
नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस कॉर्नर टू कॉर्नर जो नंबर है उसको इनटू कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स 6 3 18 और 3 3 9 3 3 9 3 3 9 और 6 3 18 क्रॉस इनटू किए। अब क्या करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। 18 और 9 18 प्लस 9 इक्वल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो 18 और 9 हो जाएगा आपको 27। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे 7 पुट करेंगे, 2 कैरी कर लेंगे। नाउ ए डिफरेंस नंबर पे या सेकंड डिजिट पे जो प्लेस पे जो नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 3 18 और ये जो 2 जो कैरी था उसको 18 में प्लस कर देंगे, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 20। तो यानी हमको रिपीट नहीं करना है डायरेक्ट, यहाँ अगर ये इस स्टेप को हम लोग याद कर लें समझ लें तो हम इस 2 डिजिट को इस तरीके से डायरेक्ट बना लेंगे। अभी जो कॉलम है मैंने एक्सरसाइज 5 और 6 में बताया वो क्या था, जो पहले 2 नंबर को पहले 4 से करना था करते थे और फिर 2 से किए थे तब जाकर के दोनों के प्रोडक्ट को ऐड किए थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट हमने इनटू कर लिया। अब ये स्टूडेंट्स अब ये चेक कर लेते हैं जो ये सही है। ओके तो लेट्स स्टार्ट। 63 33 इस मेथड से चेक कर ले जो ये सही बना या नहीं। ओके श्योर हो ले। 3 3 9 6 3 18 3 3 9 6 3 18 9 ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स 9 और यहाँ पे 8 और 9 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 7 1 कैरी कर लेंगे 8 और 9 ये 10 0 और 1 1 2 डियर स्टूडेंट्स देखिए 2079 2079। तो उस मेथड से लैंग मेथड से भी आंसर हमारा यही आया। तो अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको हाँ सॉल्व कर सकते हो, इतना लेंथी प्रोसेस ये भी प्रोसेस आपको जानना है और यहाँ मैं शॉर्ट में भी बता दिया। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में कैसे आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से कर दिया, यानी वन स्पेस पे जो डिजिट है उसको उससे कर दीजिएगा एंटर। यानी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है 3 को 3 से कर दिए, सेकेंड में क्या करना है क्रॉस करना है। 3 को 3 से करेंगे और 6 को 3 से करेंगे और दोनों के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। ओके जितना होगा वहां डालेंगे और 10 स्पेस को कैरी कर लेंगे, फिर 10 स्पेस पे जो डिजिट है उस दोनों को इनटू करके और कैरी जो था उसको प्लस कर देंगे और डायरेक्ट इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई बना सकते हो। आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो ग्रुप पे आप क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। ओके तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5 एंड एक्सरसाइज 6 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। तो नाउ पेज नंबर 60, अब पेज नंबर 60 है जो मिक्स बैग करके है, आपको इसमें मैं कुछ बता जा रहा हूँ। पेज नंबर 60 इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये भी बनाना जरूरी है। ओके क्योंकि अगर टेस्ट हो सकता है आने वाले तो उसमें मोस्टली ऑब्जेक्टिव ही दिया जाएगा। ओके तो इसमें आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या है आपको 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 फाइव टाइम्स इन योर स्टेट्स इक्वल टू व्हाट। ओके अब ऑप्शन नंबर 1 में है आपको 6 प्लस 5, नंबर 2 में है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन 6 5, नंबर 3 में है 5 6 8 एंड नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन दिया गया आपको 6 into 6। ओके तो अब यहाँ पैटर्न पे समझेंगे इनटू क्या है, कोई भी नंबर कितना टाइम्स है उसको उससे इनटू कर देते हैं, यानी उतने टाइम्स टेबल पढ़ लेते बस वही इनटू हो जाता है 1 2 3 4 5, यानी 6 जो है 5 टाइम्स है। ओके डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 3 वो हो जाएगा
5 6 यानी 6 5 क्या हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 6 और प्लस 5 11 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 5 6 यानी 5 6 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो ये जस्ट 3 ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैटर्न्स। पैटर्न्स डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है, पैटर्न्स को समझना है आपको। तो पैटर्न्स चलिए सीरियल नंबर को देखते हैं, 6 12 18 and 24 इस पैटर्न को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ओके, पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो पहले पैटर्न समझेंगे, सीक्वेंस को समझेंगे क्या है। तो 6 12 18 24 6 2 12 6 3 18 6 4 24 तो डियर स्टूडेंट आई थिंक इसमें 6 का मल्टीपल्स बोला है लिखने के लिए, तो आसान है। 44 6 5 36 6 7 42 6 8 sorry 42 okay 48 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 32 6 7 42 6 8 and 6 9 54 5 36 6 7 42 6 8 and 6 9 54 okay। इस तरीके से कंप्लीट करना है, पैटर्न को पैटर्न को समझना है, सीक्वेंस को समझना है और कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई है डियर स्टूडेंट्स, तो 23 × 3 है। ओके, इक्वल टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल में है बस। तो 20 के बाद तो आप लोग टेबल जानते नहीं हो, याद नहीं करते, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल में ही करेंगे, कॉलम में अरेंज करना कोई नेसेसरी नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 को 3 से पहले कर लें, 3 3 9, नाउ 2 को 3 से कर लेंगे, 2 3 6। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो कंप्लीट। अब डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ आपको जीरो की प्रॉपर्टीज आएगा। ओके, सपोज कीजिए इसी में, तो वो और आसान है। अब मान लो 2 4 5 4 2 20 से आपको इंटू करना है। ओके, इसको कॉलम में जाके या रफ पेज में जाने की कोई जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 4 5 है उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 5 2 10 0 1 क्या निकाल लेंगे, 4 2 8 1 9 and 2 2 4। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स कितना जीरो है, 1 0 है, 1 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आंसर इतना होगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6 एंड पेज नंबर 60 मिक्स बैग यानी एवरी चैप्टर्स एवरी यूनिट के लास्ट में आपको मिक्स बैग रहता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहता है वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।